हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और आज है 5 तारीख 10वां महीना 2022 और आज के दिन हमारे गांव से मेला जुलूस निकलने वाला है। तो मेला पोखरा पे लगता है और जुलूस निकलने वाला है गांव में से। और आइए चलते दिखाते हैं आपको कि जुलूस की तैयारी कैसे हो रही है। और देखिए दिखाते हैं अपने अपने बच्चा जो रथ लिया है लो माँ भारत के सीन के लिए, वो अपना रथ सजा रहे हैं लो। तो माँ भारत के सीन के लिए जो भी कुछ सज रहा है चलते हैं आपको हम दिखाते हैं। चलिए हमारी मेला जुलूस तो फुनसुक बांगड़ू के साथ आप बने रहिए। अभी हम जुटे भूराई भटियारा के साथ। तो बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हम 2 साल से दुबई थे, हमारा साथ ही ये मात्र में 1 महीना आप 15 तोला का पैदा कर दी कहाँ से हम लोग यही मुहिम चला रहे हैं। दूसरा बता रहा ये है इंद्र भगवान। Close your eyes. क्या चीज़ का सीन है? महाराणा प्रताप है ये। सामने भी चलते हैं दिखाते हैं और पूछते हैं इनका क्या चीज़ का सीन है। कौन सी? केशवा बाजीराव। हैं? केशवा बाजीराव। बाजीराव आपका क्या चीज़ का सीन है? शिवाजी महाराज का सीन है। शिवाजी, और इनसे पूछते हैं ये क्या चीज़ का सीन है, क्या चीज़ का सीन है? चक्रवर्ती अशोक सम्राट। अशोक सम्राट, इनसे पूछते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और आगे चलते हैं पूछते हैं इनसे इनका क्या चीज़ का सीन है। भारत माता, भारत माता है। और ये रहे शिखंडी, शिखंडी और उत्तर कुमार, शिखंडी और उत्तर कुमार। और ये है क्या चीज़ का सीन है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार और क्या बता? लक्ष्मण कुमार और हैं सोमक। जरासंग और सोमक। और ये है विकर्ण।
और ये रहे अश्वसेन, आराम से। ये है द्रोणाचार्य और ये है अभिमन्यु। क्या चीज़ का सीन है अभिमन्यु का? ये है जयद्रथ, जो कि महाभारत के सबसे मुख्य पात्र यही थे जयद्रथ। ये और अभिमन्यु दो, मतलब इन्हीं के वजह से महाभारत पूरा हुआ। और ये अर्जुन और कृष्ण भगवान। पता निर्माण हो जाए संध्या तक जयद्रथ का। देखिए बोल रहे हैं अपना सीन। पता निर्माण हो जाए संध्या तक जयद्रथ का, इन्हीं बाणों से काटा जाएगा मस्तक जयद्रथ का। बहुत अच्छा। और देखिए ये भी काफी अच्छा है। ये है भूरीसेन, भूरीसेन और दुर्योधन, जो कि ये लोग, और भीम, भीम जिनको की भूख लग गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भूख लग गया है एकदम, भूख लगा है भीम, भूख लग गया है। और ये है दुशासन, खाना खा रहे हैं। जय कौरव सेना। ये कौरव सेना में थे दुशासन, जो कि जानते थे आप लोग। और अभी तो सभी लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सामने दूर दूर तक यहाँ पे कोई है नहीं, इसीलिए सभी लोग खाना खा रहे हैं। और कमेटी सभी लोग खाना और पानी देती है। और चक्री जाके, जहाँ पे चक्री में युद्ध होगा इन लोगों को, तो वो भी दिखाएंगे आपको हम। क्या जी का सीन है? युधिष्ठिर है और सीन, क्या चीज का सीन है? कृत वर्मा, कृत वर्मा और विराट राज, कृत वर्मा और विराट राज। और ये है उग्रसेन, जो कि, और ये कृपाचार्य। और ये है चित वर्मा है। अभी आगे इन लोगों का ये है शकुनी मामा, जो कि यही सब तरह पासा फेंकते थे। और ये है सहदेव, ऐश्वर्य। और एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया गया है। और यह है शर्मा, और यहाँ पे देखिए ये भी जा रहे हैं। और देखिए ये है, क्या है इनका? देखिए ये है इंद्र भगवान, जो कि अपना दोनों तरफ नृत्य करा रहे हैं। और पीछे बहुत सारे सीन हम दिखाएंगे आपको, पहले इनसे पूछते हैं। अरे तू जलंधर, तेरी इतनी बड़ी मजाल, तू इंद्रलोक तक चलाया, इस वृक्ष के प्रहार से तुम्हारा मस्तक चूर कर दूंगा। बहुत अच्छा। ये बहुत सीन है, जो कि ये रामायण के बहुत सारे सीन है, टिकट है, तो वहाँ से वापसी जब होता है तो आपको हम दिखाते हैं। Close your eyes. निर्मल अस्त्रों को तुम्हारे ऊपर छोड़ने में मुझे दया आती है। एक मिनट बस रुक। संध्या तक जयद्रथ का, इन्हीं बाणों से काटा जाएगा मस्तक जयद्रथ का। माता हूँ जमाया नहीं जाता, शेर है तो शेर से पंजे भिराइए, आ जाइए मैदान में मध्य
आज तुम्हारा वध होगा इसी रणभूमि में। विजय विजय विजय। चलो गुरुदेव भाई कन आगे बढ़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे चाहिए विजय विजय विजय। दूसरा सन तुम आगे बढ़ो, कोई पांडव रणभूमि से जिंदा नहीं बचना चाहिए, मुझे चाहिए विजय विजय विजय। दुशासन एक मिनट रोका 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 आराम से खुला खुला। दुशासन कैप्टन निशाचर पंचाली के बालों में छेद वाले कीड़े, मैं तेरा रक्त पी जाऊंगा। एक मिनट हेजा देख के कैमरा के पास कहाँ गया कैमरा भाई, तुम अपना गद्दा संभालो पुत्र अभिमन्यु ने जाओ न कौन जा सादे तुम भी आ जाओ बड़ो टूट पड़ो। अरे महाराज दृष्टि आपने इस भूमि में जाकर मुझे हंसी आती है, ये किसकी विजय? अरे आप संसार तुरे बेचारा हो रहे हैं, अरे सर आप तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तुरे बेचारा हो रहे हैं, देर से पंजे लड़ाइए, आइए इस रणभूमि में मस्तक से मस्तक लड़ाइए। चलो मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। डरते रहो भांजे, डरते रहो। अच्छा हाँ बोलो कि मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि हाँ घर से मैंने हाँ भांजे साधु, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक पांडव और कौरव का सर्वनाश ना करवा दूँ तब तक इस हस्तिनापुर से वापस लौट कर नहीं जाऊँगा। डरते रहो भांजे, डरते रहो। धरती दब चुकी है, ये लो मेरा बर खाओ और सीधा यम लोक इस रणभूमि में तुझे मारकर तुम्हारे पुत्रों के पास भेज दूंगा, चाहे तुझे शांति मिलेगी न कल शांति मिलेगी। और देखिए ये रहा हमारे गांव का पोखरा जिसमें लोग नहाते हैं, और सामने है लाइट लगा है, वहीं से दुर्गा जी का विसर्जन होगा पानी में। हालांकि वहाँ लेडीज सबका सामान लगाया गया है और ये पूछताछ कर रहे हैं। सामने हनुमान जी का मंदिर जो कि आप लोग देखे होंगे हमारे ब्लॉग में पहले से भी, और इधर सामने पूरा लेडीज सामान लगाया गया है, जो कि लेडीज का जो भी सामान मिलता है वो है इधर। देखिए सब इधर लेडीज भी है लोग, और सामने हनुमान जी का मंदिर। बारिश आके पूरा ये खराब कर दिया है, नहीं तो काफ़ी अच्छा खासा मेला लगता था। अभी मेला हो चुका है समाप्त और जा रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि देखिए पूरा मेला खाली हो चुका है, पूरा मेला खाली हो चुका है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर चले गए, क्योंकि अब शाम के 8 बज रहा है अब, तो अब मेला भी ख़त्म होगा, सब लोग घर गए अपने अपने। और आज का मेला अच्छे से बीत गया, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा और कोई बात विवाद नहीं हुआ, और बारिश भी नहीं आया, और हम लोग अच्छे से मेला को कर पाए, और अभी जा रहे हैं हम लोग घर। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।